वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी कि विपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम कैसे अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं विपासना करके। विपासना क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। क्योंकि मैं 2018 में विपासना सेंटर गई थी और वहां से आने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई और मेरा कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई हो गया और जीवन और मृत्यु के रहस्य को मैं इतनी अच्छी तरह से समझ गई वहां जाने के बाद कि अब मुझ पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे मेरे साथ कितना भी अच्छा हो जाए या मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, अब मैं हर परिस्थिति में, हर हालात में सामान्य रहती हूँ, समतल रहती हूँ। मेरा कभी भी ऐसा नहीं है कि मानसिक संतुलन मैं अब खो देती हूँ या बहुत खुशी होने के बाद बहुत उत्साह होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विपासना मेरे अंदर जो ठहराव लाई है और जो मुझे इसका पर्सनल लाभ मिला है, बस मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज का प्रचार प्रसार कर रही हूँ या इसमें मेंबर हूँ, ऐसी कोई बातें नहीं है। बस मैं आप लोगों को जो मुझे लाभ प्राप्त हुई, मैं चाहती हूँ कि मेरे से जुड़े हुए जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो और इनके बारे में आप लोगों को जानकारियां मिले। 2018 में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बारे में आप बोल तो नहीं सकते हैं, परंतु आपके हृदय में, आपके मन में वो चीज हमेशा के लिए दफन रहती है और जिसके सहारे आपको जीना पड़ता है। मैं उस घटना से बस यही सीखी हूँ कि जो मेरी कमजोरी है, जो मेरी वीकनेस है, मैं उसे अपना ढाल बनाकर, अपनी ताकत बनाकर, अपना हथियार बनाकर आगे की लाइफ जीऊंगी। विपासना करने के पहले जब वो घटना मेरे लाइफ में हुई थी तो मेरा एक ही सोचना था कि शायद अब मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। लेकिन मैं अपने भाई का धन्यवाद देती हूँ जो मुझे विपासना सेंटर में भेजा और मेरी जिंदगी को बचाया। यहाँ मैं फोटो शेयर कर रही हूँ धामा बोधगया विपासना सेंटर का, जहाँ मैं गई हुई थी 2018 में। वहाँ की कुछ फोटोज वगैरह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खुला सा माहौल है यहाँ और लेडीज और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था की गई हुई है। बिल्कुल औरत और मर्द का हर चीज़ अलग, खाना पीना, रहना, यहाँ तक कि ट्रेनिंग वगैरह भी जो वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होते हैं, सब कुछ अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर फॉरेन कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं। ये बेल आप देख रहे होंगे, जिस तरह से स्कूल में घंटे होते थे ना, उसी तरह से जब 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 हम लोगों का टाइम होता था प्रेयर का और मेडिटेशन का या खाने का, तो उस टाइम में ये बेल बजाया जाता था। क्योंकि किसी को बात नहीं करना, यहाँ तक कि वहाँ जो काम करती हैं इंचार्ज लोग, उन लोगों को भी किसी से बातें नहीं करनी है। और ये मेडिटेशन रूम है जहाँ सभी मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद ये रहा जहाँ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किया जाता है। ये बड़ी सी हॉल है और आराम से आप बैठ करके यहाँ खुद से खाना उठा के खाना है और थाली धोना है। और ये फोटो है बेडरूम की। मैं तो डबल में रही थी तो मुझे डबल वाला मिला था। किसी को सिंगल में भी मन होता है तो वो सिंगल में भी रह लेते हैं। और यहाँ जो सभी मेडिटेशन करने के लिए लेडीज़ और जो भी यंग एज की लड़कियाँ लोग थी, वो लोग भी सब आई हुई थी। ज़्यादातर सादे कपड़े में ही सब रहते हैं क्योंकि ये लास्ट डे था, तो सभी अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के कपड़े पहन करके यहाँ फ़ोटो वगैरह सब ले रहे हैं। जिस टाइम मैं वहाँ गई हुई थी तो बहुत परेशान थी और मानसिक रूप से बिल्कुल दुर्बल थी, परंतु ये मेरा आप हंसता हुआ फोटो देख रहे होंगे जब मैं वहाँ से लौट रही थी। ये लास्ट दिन की फ़ोटो है, 10वें दिन, जब हम लोगों को सभी को वहाँ पर फ़ोन दिया गया था तो हम सब फ़ोटो सेशन करवाए वहाँ पर, अपने से खुद कुछ फ़ोटो वगैरह लिए। यहाँ से निकलने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिससे कि मैं अब दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकती हूँ और मुझ में वो सामर्थ्य आ चुकी है। और मैं अपने भाई का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस टाइम सजेस्ट किया कि दीदी आप एक बार विपासना चले जाइए तो आपको अच्छा फील होगा। और उस टाइम की जो मेरी हालात थी, जो मेरी सिचुएशन थी, मैं उसको बयां नहीं कर सकती हूँ अपने शब्दों में। उस टाइम तो मुझे बस इतना ही लग रहा था कि अब मुझे मर जाना चाहिए या नहीं तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए अपने लाइफ से। परंतु मैं हिम्मत करके जब मेरे भाई ने मुझे ये रास्ता दिखाया तो मैं चली गई, क्योंकि उस टाइम मैं बस इतना ही चाहती थी कि मैं सभी लोगों से दूर कहीं ऐसे जगह चली जाऊं जहां मुझे ना कोई देखे, ना मैं किसी से बात करूं, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मेरे साथ हो गया।
और आप समझ ही सकते हैं कि जब आदमी की किसी बात को लेकर के उम्मीद नहीं होती है और आकस्मिक कुछ ऐसी घटना घट जाती है जीवन में, तो क्या मनोदशा रहती होगी। ये मनुष्य जीवन में हर किसी को भुगतना पड़ता है किसी न किसी रूप में। तो मैं जब विपासना सेंटर गई, मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना करके उस जगह पर गई और जाने के बाद जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब जिस समय मैं वहां गई थी तो मेरी मनोदशा ऐसी नहीं थी कि मैं ध्यान और साधना कर सकूं। मैं बस दिन रात रोने के सिवा और कुछ नहीं कर पाती थी और अपने पुराने यादों में उलझी हुई थी। लेकिन वहां जब देखी कि वहां का दिनचर्या क्या है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे आप फ्रेश होकर के उसके बाद आप 4:30 में आप पहुंच जाए विपासना सेंटर। वहां पर डे 11 घंटे आपको ध्यान करवाया जाता है। दरअसल ये विपासना जो है गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जो वो ध्यान और साधना करते थे, तो इसी चीज की सीख वहां दी जाती है। और धामा बुद्धगया आपको बुद्धगया में ही पड़ता है, जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट विपासना सेंटर। बहुत खुशी की बात है कि अपने इंडिया का बुद्धगया है। और वहां पर मैं फर्स्ट टाइम विपासना के लिए गई थी। और विपासना के लिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि आपको किसी से बात करने नहीं दिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स से 10 दिनों तक आपको मौन व्रत धारण करना है और फोन वगैरह भी नहीं चलाना है। सारे फोन वगैरह जो होते हैं वो जमा ले लेते हैं और आपको सादे वस्त्रों में रहना पड़ेगा, कोई तरक भरक नहीं। यहाँ तक कि जैसे छोटी मोटी मैं इयर रिंग पहनती हूँ इसे भी उतरवा दिए थे, और कुछ घड़ी वगैरह भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको वॉच दे दिया आप टाइम देखते रहे, ऐसा भी नहीं था। सारा चीज जो भी गैजेट्स थे सारे वो जमा करवा लिए थे और फोन भी रख लिए थे। और आप बुक तक नहीं ले जा सकते हैं, ये भी नहीं है कि आप बुक ले लिए और बैठ करके पढ़ते रहे। आपको बस ध्यान करना है, उनके नियमों को फॉलो करना है। और जो न्यू मेंबर्स होते हैं, जो पहली बार जाते हैं, उनको 4 टाइम का खाना नाश्ता मिलेगा, आपको फ्री में मिलते हैं। और जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए, जैसे अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाऊंगी, तो मेरे लिए सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और शाम की चाय, रात में खाना नहीं मिलता है। रात का खाना आपको स्किप करना होता है। तो मैं जब विपासना सेंटर गई हुई थी तो मैं ये चीज देखी कि जिस तरह से सुबह की रूटीन है, शाम की रूटीन है, और 11 घंटे ध्यान मायने रखता है मनुष्य के जीवन में। जिस प्रकार से आज के लाइफ स्टाइल में भागम भाग और इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं लोग अपने परिवार से, बाहर से, जॉब से, हर तरह से, तो उन लोगों को अगर मानसिक शांति की जरूरत है और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो एक बार आप विपासना सेंटर जाइए और जाकर के अपने लिए वक्त निकालिए। वो चीज, वो समय आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं जो प्राप्त की हूँ वहां, वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और उसी के सहारे, और वो जो ध्यान और मेडिटेशन में सीखी हूँ उसी के सहारे, मैं अपने मानसिक संतुलन को कंट्रोल में रखती हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ। दिन ब दिन मैं अच्छा ही काम करते जा रही हूँ और आशा है कि और अच्छा करूंगी और बेहतर करूंगी। और वहाँ जो आपके रूममेट रहते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि आपसे बात करेंगे, सबको हिदायत दिया हुआ रहता है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल मौन व्रत। बिल्कुल सोचिए आप, अगर कितनी एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती होगी जिस समय आप मौन व्रत धारण करते हैं, आप 10 दिन तक किसी से बातें नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में कितनी अच्छी एनर्जी स्टोर हो रही होगी, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही होगी। और आपके अंदर जो वहाँ पो चलता है, जो मंथन चलते रहता है हमेशा आपके इस ब्रेन में, जो हजारों मंथन 24 घंटे चलते रहता है, आपके ब्रेन को कितना रिलैक्स फील होता होगा, आपके शरीर को कितना रेस्ट मिलता होगा, आप कभी सोच करके देखना ये बात। मैं जो बोल रही हूँ विपासना के बारे में, सच में लाइफ चेंजिंग स्कोप था मेरे लिए। मैं जो विपासना सेंटर गई थी वहां जाने के बाद, और वो फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपसे किसी भी तरह के पैसे की डिमांड वहां की जाती है, बिल्कुल फ्री है। आप वहां जाइए, 10 दिन अपने लाइफ का निकालिए, विपासना सेंटर जाना चाहिए, इससे आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, आपकी सोचन शक्ति भी मजबूत होगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो एक बार आप विपासना सेंटर जाएं और उसका अनुभव प्राप्त करें। और अगर आप 10 दिन टाइम नहीं भी निकाल पाते हैं तो 2.5 दिन 3 दिन का भी ये कोर्स होता है, तो आप स्टार्टिंग में 3 दिनों का कोर्स भी कर सकते हैं। जो हमारे इधर जरूरी नहीं कि आपको बिहार जाना पड़ेगा, आपको इसके लिए कहीं भी आप गूगल पे सर्च करें कि विपासना सेंटर कहाँ है, क्या है, और इसकी सारी जानकारी इकट्ठा करें और 3 दिन का भी आप कोर्स करें। 3 दिन में भी वही प्रक्रियाएं होती है, वही सिखाया जाता है और आपको जीवन जीने का सही अनुभव प्राप्त होता है। ये तो सबको पता है कि मेडिटेशन और ध्यान करने से फायदा पहुंचता है, तो क्यों नहीं एक बार इसके बारे में सोचा जाए। और जिस प्रकार से ध्यान और मेडिटेशन वहां करवाया जाता है उसी प्रकार से आपको बहुत अच्छा डाइट भी दिया जाता है, आपको खाना भी भरपेट बहुत अच्छा दिया जाएगा, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और
आपको मन भी लगेगा, उतने लोगों के बीच में आपको बहुत मन लगेगा, आपको यही लगेगा कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन अब सार्थक हो चुका है और मैं किसी अच्छे काम को अंजाम देने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस तरह से आप पिकनिक के लिए, टूर के लिए 2 दिन 3 दिन या 10 दिन का टाइम निकालते हैं, उसी तरह से अगर आप 3 दिन का टाइम निकाल करके अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और एकांत में अपने आप को समय देना चाहते हैं तो विपासना सेंटर जरूर जाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे से जुड़े हुए रहे और मुझे प्रोत्साहित करते रहे। मैं इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।